हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम प्रिया एंड यू वाचिंग प्रिया व्लॉग्स। तो आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज के वीडियो में मैं शो करने वाली हूँ एलजी डिशवॉशर डेमो एंड रिव्यू वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों से कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। जब मैंने डिशवॉशर खरीदा तब मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था दैट इट्स बेटर कि आप हैंड वॉश कर सकते हैं या फिर एक मेड या हेल्पर हायर कर सकते हैं। आप लोग राइट है, बट बहुत सारे डिफरेंट कंडीशन रहती है जिसके अंदर ये डिशवॉशर बहुत ही हेल्प करता है। जैसे अगर आप बात करें अभी जो इंडिया के अंदर वर्किंग वुमेन्स है उनके जो नंबर्स है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, एंड फॉर अ वर्किंग वुमेन घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चे, फैमिली सबको हैंडल करने में इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो सारी चीज़ें खुद कर पाए। तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है क्योंकि जब भी हेल्पर रहती है तो अभी हेल्पर के टाइम मैच करना या फिर हेल्पर मिलना, तो वो सारी चीज़ों से बेटर है कि एक डिशवॉशर घर पर हो। और सेकेंड थिंग कि बहुत सारे बैचलर लोग रहते हैं जो पढ़ाई के लिए या फिर अपने जॉब के लिए बाहर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही हेल्प करता है क्योंकि उनको ये सब चीज़ें करने की आदत नहीं रहती है और इतना टाइम भी नहीं रहता है। थर्ड, मेरे जैसे लोग जिन लोगों को एलर्जी रहती है कुछ चीज़ों से, लाइक मुझे क्लीनिंग प्रोडक्ट से एलर्जी है, जब भी मैं क्लीनिंग प्रोडक्ट अगर 3 से 4 दिन के लिए अगर यूज़ करूँ तो मेरे हाथ पे कट्स आने लगते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो फॉर देम इट्स वेरी हेल्पफुल और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है उसके अंदर, तो हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है हेल्पर की। और कुछ जगह ऐसी रहती है कि जहाँ पर हेल्पर मिलना डिफ़िकल्ट होता है, और अगर हेल्पर मिल भी जाए तो वो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं और हेल्पर के आज का टेंट्रम्स भी बढ़ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर कंसिडर किया जाए तो डिशवॉशर बहुत ही हेल्पफुल है। तो जिन लोगों को खुद वॉश करना अच्छा लगता है, जिन लोगों के पास टाइम होता है या फिर हेल्पर ईजिली अवेलेबल रहती है, तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगी कि वो डिशवॉशर बिल्कुल भी ना खरीदें और खुद कर ले या फिर अपने हेल्पर से करवाए। पर जो लोग नहीं कर पाते हैं खुद या जिन्हें ज़रूरत रहती है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप डायरेक्टली जज नहीं कर सकते कि डिशवॉशर लेना सही है या डिशवॉशर लेना गलत है। तो यही रीज़न था मेरा एक्सप्लेन करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिशवॉशर खरीदना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं सारी डिटेल कवर करूँगी, तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर मैं कवर करूँगी डिशवॉशर के प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर आप डिशवॉशर खरीदना चाहते हैं तो उसके पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके अंदर मैं बताऊँगी कि कौन सी चीज़ें अच्छी है डिशवॉशर के बारे में, कौन सी चीज़ें बुरी है। तो आप उसके अंदर से चेक कर सकते हैं कि आपके लिए वो बेटर है या नहीं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं सारी डिटेलिंग कवर करूँगी एलजी डिशवॉशर के बारे में। तो जो मेरे पास जो डिशवॉशर है वो है एलजी का 14 प्लेस डिशवॉशर, और उसका जो मॉडल नंबर है वो मैं स्क्रीन के ऊपर नीचे आप पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दिया है। आप चाहे तो उसकी प्राइस और उसके सारे डिटेलिंग्स वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। सो डिशवॉशर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा जो उसके अंदर जो भी लेफ्ट ओवर रहता है उसे निकाल देना रहता है, जो उसके बड़े चंक्स रहते हैं उसे निकाल देना रहता है। उसे आप डायरेक्टली बड़े चंक्स के साथ अंदर नहीं रख सकते, तो सिर्फ नॉर्मल पानी के अंदर उसे आप क्लीन कर दें और फिर उसको अपने जो बेसिन के अंदर है नॉर्मल पानी से क्लीन कर दें और उसे आप अंदर डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। बट आप मेक श्योर करें कि आप खाने के बाद अगर तुरंत डिशवॉशर जो लोड कर रहे हैं देन इट्स ओके, आप डायरेक्टली उसे लोड कर सकते हैं। बट अगर आप कुछ घंटों बाद या फिर आप दोनों टाइम के लाइक लंच एंड डिनर दोनों टाइम के एक साथ लोड करना चाहते हैं, तो जो आपके जो डिशेस है उसे सोक करके रखें, क्योंकि अगर वो ड्राई हो जाएंगे तो क्लीन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप वही चीज़ हैंड वॉश भी करते हैं तो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो अंदर लेफ्ट ओवर हो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, आपकी प्लेट ड्राई हो जाती है तो क्लीनिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। वो क्लीन कर लेता है काफ़ी हद तक, बट कई बार थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप दोनों टाइम के एक साथ रख रहे हैं या फिर कुछ घंटों बाद डिशवॉशर लोड कर रहे हैं तो उसे आप सोक करके रखें ताकि डिशवॉशर के लिए इजी हो जाए। सिंपली उसके अंदर पानी डाल दें और थोड़ी देर के लिए रख दें साइड में, और जब भी आपको लोड करना हो तभी वो पानी निकाल कर आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। तो रही बात जले हुए बर्तन की, तो जले हुए जो बर्तन है वो एक ही वॉश के अंदर क्लीन नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले उसे कुछ घंटों के लिए सोक कर दें और उसके बाद में उसे डिशवॉशर के अंदर लोड करें। लोड करने के बाद में वो कम्प्लीटली क्लीन नहीं होगा, बट अगर आप हाथों से वॉश कर देंगे उसको डिशवॉशर में लोड करने के बाद में, तो वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। तो जब भी कोई जला हुआ बर्तन रहता है वो हम लोग हाथ से भी वॉश करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप डिशवॉशर में लोड करने के बाद में अगर उसे वॉश करेंगे तो वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो डिशवॉशर के अंदर जो बर्तन धुले हुए रहते हैं वो काफ़ी चमकने लगते हैं आफ्टर सम यूज़, क्योंकि उसके अंदर जो रिंस रहता है उसकी वजह से चमक आती है। तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ टैबलेट, और टैबलेट के साथ साथ जो भी रिंस रहता है वो भी फिल कर देती हूँ, क्योंकि जो रिंस हम लोग यूज़ करते हैं उससे काफ़ी चमक आने लगती है बर्तन के अंदर। तो बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि हम लोग प्लास्टिक और ग्लास मटेरियल से वो रख सकते हैं या नहीं रख सकते डिशवॉशर के अंदर। आप बिल्कुल रख सकते हैं, बट हमेशा रखने से पहले आप चेक कर लें कि वो डिशवॉशर सेफ़ है या नहीं है,
तो ये एक साइन है जो मैं आपको साइड में बता रही हूँ, वो साइन हमेशा जो आपका वेसल रहेगा उसके नीचे की साइड मेंशन किया हुआ रहेगा, प्लास्टिक के जो आपके वेसल्स रहते हैं उसके नीचे वो साइन मेंशन की हुई रहती है। तो हमेशा आप देख ले, अगर ये साइन है तभी ही आप उसे रखें डिशवाशर के अंदर, दैट मीन्स ये डिशवाशर सेफ है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसके अंदर जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जो घर पे नॉर्मली जो यूज़ करते हैं हैंड वॉश करते टाइम पे, जो सोप और डिश वॉशिंग लिक्विड वो यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए डिफरेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे एक रहता है जिसके अंदर रहता है कि डिटर्जेंट, सॉल्ट एंड रिंसेड, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड दूसरा रहता है एक टैबलेट, टैबलेट के अंदर वो सारी चीज़ें रहती है, सिर्फ उस टैबलेट को आपको प्लेस करना है एंड आपका डिशवॉशर स्टार्ट कर देना है। तो टैबलेट में भी दो ब्रांड्स अवेलेबल है, वो दोनों के मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ। तो ये है LG 14 प्लेस डिशवॉशर और ये है इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ। सो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है एंड उसके साथ साथ इसके 10 ईयर्स की वारंटी भी है। तो इसके अंदर दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है, एक है वाइट एंड ग्रे। इसको खोलने के बाद में ये कुछ अंदर से इस तरह से दिखाई देता है। इसके अंदर दो रैक है ऊपर और नीचे, और इसकी जो अंदर की फुल बॉडी है वो है स्टील की, स्टेनलेस स्टील। और दूसरे आप डिशवॉशर के साथ कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर फुल स्टेनलेस स्टील का बॉडी नहीं रहता है, जो नीचे का बॉडी रहता है उसका वो फाइबर का रहता है एंड सराउंडिंग में स्टील रहता है। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है एंड इसका जो ये रैक है ये कुछ इस तरह से बाहर आता है, इसे आप निकाल के बाहर भी रख सकते हैं, किचन के अंदर लेके जा सकते हैं। एंड उसकी जो अंदर जो ये प्लेट्स के लिए जो सेटिंग्स है वो भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसे आप खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, आपके जो वेसल्स है आपको जिस हिसाब से रखने हैं उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला रैक है और ऊपर वाला रैक भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये है ऊपर वाला रैक और ऊपर जो ये आपको ब्लू कलर के पोर्शंस दिख रहे हैं दोनों साइड, वो है कटलरी के लिए, मतलब आप स्पून, बड़े स्पून, छोटे स्पून, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। उसके साथ साथ एक स्टैंड भी दिया गया है स्पून के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टैंड यूज़ नहीं करना है तो ये ब्लू वाले जो स्टैंड है उसके ऊपर रख सकते हैं। एंड ये जो है ऊपर वाले जो रैक है उसके अंदर आप पोजिशन इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला रैक है उसके नीचे आप ये स्प्रे देख सकते हैं एंड ऐसे तीन स्प्रे रहते हैं। ये वाला है अपर रैक के नीचे, अभी मैं दिखाऊंगी, ये रहता है लोअर रैक के नीचे सबसे बॉटम में, एंड एक रहता है टॉप पे। तो ये जो तीनों स्प्रे है उसके अंदर से पानी स्प्रे होता है। तो जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं उसके अंदर की साइड ये पोर्शन रहता है जो रहता है डिटर्जेंट, या फिर उसके अंदर आप टैबलेट रख सकते हैं। उसके जो बाजू में है वो है रिंसेड के लिए, रिंसेड इसके अंदर पोर करना रहता है। एंड लास्ट में आता है सॉल्ट, तो सॉल्ट इसके अंदर फिल करना रहता है। और जो आपको राइट हैंड साइड में जो होल दिख रहा है उसको आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक बार निकल कर क्लीन करना है। तो अभी मैं एक बार आपको डिशवॉशर लोड करके दिखाती हूँ। तो जो प्लेट्स है उसे इस तरह से रखना है वर्टिकल पोजीशन के अंदर, और जो ग्लासेस है और बोल है उन लोगों को उल्टा रखना है। बड़े कंटेनर्स है उसे आप वर्टिकल पोजीशन में रख सकते हैं या फिर इंक्लाइंड पोजीशन में रख दें, बट आप उसे सीधा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप उसे सीधा रखेंगे तो पानी उसके अंदर फिल हो जाएगा और वो अच्छे से क्लीन नहीं होगा। और कई लोग सोचते हैं दैट ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर आपको इसे अच्छे से प्लेस करना है और फिर उसे आपको निकालना है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आफ्टर 3 to 4 days आप यूज़ टू हो जाएंगे एंड विद इन 5 minutes आप इसे सारे प्लेस कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये है ऊपर का रैक और ऊपर के रैक के अंदर मैं रख दूंगी यहाँ पे ग्लासेस, बोल, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक और जो ग्लास है उसे हमेशा आप ऊपर के रैक के अंदर रखने की कोशिश करें, नीचे वाले जो रैक है उसके अंदर कम रखें, ऊपर वाले रैक के अंदर रखें। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ प्लास्टिक, और ग्लासेस भी रख सकते हैं आप, छोटे वाले जो प्लेट्स, स्पून, बोल, सब कुछ यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं। तो ज़्यादा जो डेप्थ वाली चीज़ें हैं वो नीचे आएगी और जो उसकी हाइट और जिसकी कम है वो वाली सारी चीज़ें आप ऊपर रख सकते हैं।
सो ऐसे दो कटलरी स्टैंड भी दिए जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी कटलरी प्लेस कर सकते हैं वर्टिकली और उसे नीचे वाले रैक के अंदर रख देना है। बट अगर आपकी कटलरी कम है, स्पून्स और सारी चीज़ें कम है, तो आप इसे ऊपर ही रख सकते हैं ये ब्लू वाले स्टैंड के अंदर। एंड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये टैबलेट, मैं हमेशा टैबलेट यूज़ करती हूँ, और अगर आप टैबलेट यूज़ नहीं करते तो आपको डिटर्जेंट, सॉल्ट एंड रिंसेड अलग अलग रखना पड़ेगा। तो ये टैबलेट मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी और बंद कर दूँगी। अभी बात करते हैं फंक्शंस की। तो यहाँ पे है ड्यूअल स्प्रे, ऑटो, इको, केयर एंड क्विक। ड्यूअल स्प्रे के अंदर जब भी आप नीचे वाले रैक के अंदर पॉट्स, पैन, प्लेट रखते हैं और ऊपर वाले रैक के अंदर डेलिकेट चीज़ें जैसे प्लास्टिक, ग्लासेस, तभी आप ड्यूअल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। ऑटो के अंदर वो डिटेक्ट करता है खुद के आपके बर्तन कितने गंदे हैं और उसके बाद में टाइम खुद सेलेक्ट करता है। इको के अंदर आप अपने रेगुलर जो यूटेंसिल्स रहते हैं, एफिशिएंट जो क्लीनिंग होती है इको के अंदर और एवरीडे यूज़ के अंदर आप इको यूज़ कर सकते हैं। केयर के अंदर जब भी आप अपने डेलिकेट यूटेंसिल्स जैसे ग्लास और प्लास्टिक, पूरा आपका डिशवाशर अगर इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है तो आप केयर यूज़ कर सकते हैं। एंड क्विक, अगर आपको क्विक वॉश चाहिए विद इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स के अंदर क्विक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे है डिले वाला मोड, लाइक डिले टाइम, दैट मीन्स आपको कितने घंटे के बाद में स्टार्ट करना है, लाइक 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, उस हिसाब से आप टाइम सेलेक्ट करके रख सकते हैं, तो अपने आप स्टार्ट हो जाए। अभी बात करते हैं हाफ लोड की। तो यहाँ पे एक फंक्शन है हाफ लोड, दैट मीन्स अगर आप एक ही रैक के अंदर चीज़ें रख रहे हैं, सपोज आपने अपर रैक के अंदर सारी चीज़ें रखी तो आप अपर रैक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ अपर रैक के अंदर वॉश होगा, और अगर आपने सिर्फ लोअर रैक के अंदर चीज़ें भरी है तो लोअर रैक सेलेक्ट कर दें, तो लोअर रैक के अंदर सारी चीज़ें वॉश होगी। और उसके नीचे दो अलग अलग साइंस है जैसे सॉल्ट एंड रिंस। तो जैसे ही सॉल्ट और रिंस ख़त्म होगा तो ब्लिंक करने लगेगा, बट अगर आप मेरी तरह टैबलेट यूज़ करते हैं तो वो हमेशा ही ब्लिंक करेगा, पर मैं हमेशा यूज़ करती हूँ रिंस ताकि बर्तन और चमके। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपको दिख रहा है वॉश, रिंस, ड्राई एंड क्लीन, तो उससे ब्लिंक होता है जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे अगर वॉश हो रहा है तो वॉश ब्लिंक होगा, रिंस हो रहा है तो रिंस ब्लिंक होगा, उस हिसाब से आपको आइडिया आएगा कि अंदर क्या चल रहा है। एंड अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इको और स्टार्ट कर दूँगी मेरा वॉश। सो वॉशिंग हो गई है कंप्लीट और आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली क्लीन है। तो मैं आपको कुछ बर्तन दिखाती हूँ कि वॉश करने के बाद में ये कैसे दिख रहा है। इसी के साथ मेरा वीडियो होता है खत्म। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आई एम प्रिया एंड आई एम साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।